जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत करते हैं अपने जे टू जेड फौजी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पहले ही आपको नए साल का शुभकामना दे रहा हूं, क्योंकि जितनी भी भर्तियां भी आ रही हैं दोस्तों, सब नए साल में आ रही है। और हम आशा करते हैं कि आपको नए साल में एक नई ऊंचाई के छुए और आप 2023 में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। असम राइफल रिक्रूटमेंट 2023। अब इसको असम राइफल को दोस्तों या तो हम जीडी भर्ती बोल सकते हैं और ट्रेड भी भर्ती बोल सकते हैं, ट्रेड में, क्योंकि दोस्तों इसमें जीडी का जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन और मिनिस्ट्री, मतलब ऑल भर्ती इसको बोल सकते हैं दोस्तों। असम राइफल ने निकाला है, ज्यादा सीटें दी है दोस्तों। इसकी बात करें तो 10वीं प्लस, सॉरी दोस्तों, 10+2 10वीं पास और 10वीं पास दोनों के लिए सर दोस्तों। इसमें पोस्ट का बात करते हैं दोस्तों तो 95 पोस्ट है, महिला और पुरुष दोनों के लिए है दोस्तों। तो दोस्तों तो मैं बोलूंगा कि दोस्तों इसको फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि जिसमें ज्यादा कम सीट होती है दोस्तों उसपे कम भी कैंडिडेट भरते हैं और ज्यादा भर्ती होने का ज्यादा ही चांस होता है दोस्तों। इसका अप्लाई डेट लास्ट डेट है दोस्तों 22/1/2023 तक अप्लाई हो रहा है दोस्तों। ये ऑल इंडिया के लिए है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ये अप्लाई हो रही है दोस्तों। उम्र की बात करते हैं दोस्तों तो 18 से लेके 25 साल, जिसमें छूट है दोस्तों ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है दोस्तों। यही दोस्तों इसमें फीस का बात करते हैं तो 0, इसमें कोई फीस नहीं है दोस्तों। और इसका रैली डेट, इसका रैली डेट भी निर्धारित कर दिया है दोस्तों 11 फरवरी 2023 की इसकी रैली भर्ती होगी, भैया एडमिट कार्ड वाली भर्ती होती, लेकिन इसका फिजिकल होगा 11 फरवरी 2022-23 को दोस्तों। आइए फिजिकल टेस्ट का बात करते हैं दोस्तों। इसमें ऑल पुरुष के लिए 1.70 सेंटीमीटर हाइट मांग रहा है और ऑल महिलाओं के लिए, हमारे जितने भी बहनें भर रही हैं उनके लिए 1.57 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। नॉर्थ जोन के रहने वाले हमारे भाई और बहन है उनके लिए अगर पुरुष है तो 1.65 सेंटीमीटर और महिला है तो 1.50 सेंटीमीटर मांग रहा है दोस्तों। यही चेस्ट की बात कर रहे दोस्तों तो और पुरुष के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर। यही इसका दोस्तों फिजिकल का बात करते हैं तो फिजिकल में दौड़ दोस्तों 5 किलोमीटर का रनिंग है 24 मिनट में पुरुष के लिए, और 1.6 किलोमीटर का दौड़ है 8.30 मिनट में महिलाओं के लिए दोस्तों। इसमें वही दोस्तों लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप (12 फीट + 10 फीट) सभी दोस्तों 9 फीट पुरुष के लिए दोस्तों 12 फीट और महिला के लिए 9 फीट। हाई जंप है दोस्तों 3 फीट और 4 फीट पुरुष के लिए, 4 फीट और महिला के लिए 3 फीट लॉन्ग जंप है दोस्तों। इसका सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं दोस्तों तो सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। पहले आपका तो फिजिकल होगा दोस्तों, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका ये पूरा शामिल है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों रिटन होगा, ट्रेड टेस्ट आपको पहले ही बोला था दोस्तों, इसको बाकी सवाल बताएंगे पोस्ट नेम कौन कौन सा निकला है,
इसमें ट्रेड पोस्ट भी है दोस्तों, इसमें ट्रेड टेस्ट होगा। अगर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाए और उसका वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, उसका वीडियो आप देख लें कि ट्रेड मैन की भर्ती में ट्रेड में क्या क्या पूछे जाते हैं, उसका क्या टेस्ट होता है। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, पांचवें में मेडिकल। अब आइए दोस्तों बात करते हैं पोस्ट नेम की, कौन से पोस्ट है। तो जनरल जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए है 81 पोस्ट, जो मैं 10th पास चाहिए, 10वीं पास। SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, महिला और पुरुष दोनों के लिए है, 10+2 प्लस टाइपिंग चाहिए, टाइपिंग का भी स्पीड वही चाहिए दोस्तों, 30+35, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30। यही दोस्तों RM बात करते हैं, रेडियो मैकेनिक का। इसमें 10+2 प्लस PCM इंजीनियरिंग और डिप्लोमा चाहिए, WOD एक सीटर चाहिए, उसमें भी दोस्तों 10+2 और डिप्लोमा। आर्मोरर का बात करते हैं दोस्तों, जो आर्मोरर होता है, जितने राइफल मैन के राइफल हथियार से संबंधित जो भी टूट फूट या देख रेख के जिम्मे होता है, वो आर्मोरर उसको रिपेयर करते हैं। जैसे हमारा कारपेंटर वगैरह जिसका काम है, आर्मोरर का भी काम है, उन राइफलों को देख रेख करना। उनके लिए 10वीं पास प्लस ट्रेड चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी एक सीट है दोस्तों, जो कि 10th पास और साइंस चाहिए। यही दोस्तों बार्बर का बात करते हैं, उनका 2 सीटें हैं दोस्तों बार्बर के, वो भी 10वीं पास प्लस ट्रेड चाहिए। कारपेंटर का बात करते हैं दोस्तों, तो 1 सीटें हैं, 10वीं पास प्लस ट्रेड। यही कुक का बात करते हैं, तो 4 सीटें हैं दोस्तों, इसमें भी 10वीं पास और ट्रेड। इसके सफाई कर्मचारी का बात करते हैं, तो 1 सीटें, 10वीं पास प्लस ट्रेड। और वाशरमैन का बात करते हैं, तो 10वीं पास प्लस ट्रेड। और इनके सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सैलरी स्टार्टिंग से दोस्तों 39,000 से 69,000 तक के बीच में इनका सैलरी है दोस्तों। तो ये यही दोस्तों वीडियो था, और हमको आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से जाइए फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे है दोस्तों ये। आप चाहे तो इसको ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।